यस सर, स्टार्टेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है ना सबको? ओके यस सर, ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जीएसटी क्लास। सर, जीएसटी में आज क्या होगा? सर, जीएसटी में आज ऐसे तो अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो कॉम्पोजिशन लेवी बताएंगे। क्या बताएंगे सर? कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है सर, कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है सर? ये एक्चुअली चार्ज अंडर जीएसटी जो होता है ना, मतलब जीएसटी में जो चार्ज होता है, जो चार्ज क्रिएशन होता है, मतलब सिंपल बात है कि जीएसटी किससे लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। ऐसे वेन टू चार्ज जीएसटी, ये डिपेंड करता है सप्लाई पे। और जीएसटी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के घर में कौन जमा करेगा, या गवर्नमेंट किस पे चार्ज लगाता है कि भाई आपको जीएसटी पे करना है। आप बात समझ रहे हो ना सर? गवर्नमेंट किसी को तो पकड़ेगा, किसी को तो बलि का बकरा बनाएगा कि भाई आओ आपको जीएसटी देना है। ठीक है, नहीं देंगे तो, अगर जीएसटी नहीं देंगे तो क्या है सर, फिर गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन देगा, नोटिस भेजेगा। हाँ, फिर आपको थोड़ा सा सताएगा, फिर पेनल्टी करेगा, प्रॉब्लम करेगा सर, हैरेस करेगा। सरकारी नियम उल्लंघन करने से जो होता है वही होगा, उसका भी नियम है, पेनल्टी सेक्शन हम लोग बताते रहते हैं। बट द बिग पॉइंट इज दैट कि चार्ज अंडर जीएसटी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है ना? चार्ज अंडर जीएसटी आपको सबसे पहले तो ये सिखाया कि आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ सर, ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग क्या क्या सीख रहे हो? सबसे पहले तो चार्ज कब लगता है, कैसे लगता है, लेवी एंड कलेक्शंस, है ना? लेवी एंड कलेक्शंस। लेवी माने माने किसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए, कौन जीएसटी कलेक्ट करेगा। इनकम हाँ बोलो सर। यस नील, इम्पोजिंग हाँ नील बोल, सुन लो। इम्पोजिंग इम्पोजिंग, वेरी गुड सर। किसको जीएसटी, किसके ऊपर जीएसटी इम्पोज होगा, वेरी गुड, गुड लैंग्वेज। ठीक है, तो चार्ज का बेसिक मतलब यही है। लेकिन आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं सर, और पॉइंट का नाम है सर, पॉइंट का नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। ठीक है, अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ जीएसटी पे करने का तरीका है। ठीक है, इसका रेट अलग होता है नॉर्मल जीएसटी रेट से, और जिस बिजनेसमैन के ऊपर, जिन बिजनेसमैन के ऊपर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होते हैं, इनका भी कुछ अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो मैं इन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ सर। ऐसे तो ये चार्ज अंडर जीएसटी हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट में जीएसटी का कॉन्सेप्ट बताया, फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर का, या ऑनलाइन बिजनेस जो लोग करते हैं उनके बारे में बताया, जीएसटी रेट्स का भी एक आइडिया दिया, रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी रेट कब लगता है और क्या रेट पे लगता है, एफोर्डेबल हाउस पे क्या होता है और लग्जरी हाउस में क्या होता है, इसका एक आइडिया आपको मिला। ठीक है सर, ये सब डिस्कशंस ऑलरेडी क्या हुआ है, कवर हो चुका है। तो चार्ज अंडर जीएसटी में अनदर वीवीआईपी पॉइंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, माने ये जो ओवरऑल एरिया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सेम इसी इंपॉर्टेंट एरिया का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, और पार्ट का नाम है सर कॉम्पोजिशन लेवी। अगर मैं सेक्शन का बात करूं तो ये सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 के अंदर बोला गया है। ऐसे दिस इज द जीएसटी लॉ, सो यू ऑल मस्ट नो द लॉ। ओके, और लॉ है तो सेक्शन सेक्शन का बात तो होगा। जब कोई मैटर को हम लोग लॉ कहते हैं, तो लॉ लॉ जब भी बात होगा तो सेक्शन का मैटर तो आ ही जाता है ना सर। तो सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में बात करता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर, ये कॉम्पोजिशन लेवी किसके ऊपर लागू होता है, कब लागू होता है ना, रेट क्या लगता है। एक काम करते हैं सर, एक शॉर्ट नोट्स मैंने रेडी किया, मैं आपको शॉर्ट नोट्स से पहले ना थोड़ा कॉम्पोजिशन का आइडिया दे देता हूँ। इससे क्या सुविधा होता है, इससे ये सुविधा होता है कि अगर आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाता है ना, एक हॉलिस्टिक आइडिया मिल जाता है, ओवरव्यू माने एक ओवरऑल आइडिया, तो क्या है ना, आगे आगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर या केस स्टडीज करेंगे, आपको थोड़ा सुविधा होगा, है ना सर? तो सुविधा करने से पहले, ठीक है, सुविधा करने से पहले थोड़ा बेसिक लेवल चर्चा जरूरी है।
बेसिकली ये कॉम्पोजिशन स्कीम उनके लिए होता है, आपको मैं बता दूं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं नॉर्मली, उनके ऊपर ये कॉम्पोजिशन स्कीम कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब इसी का एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट समरी है, चलो मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसे देखा जाए तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है सर, इज सिंपल, सबको स्क्रीन शेयर है ना सर? हेलो, सब स्क्रीन देखते बच्चे तो? अरे हाँ या ना, यस सर। ओके सर, थोड़ा जवाब दीजिएगा सर, थोड़ा जवाब नहीं देंगे तो फिर हमें समझ में कैसे आएगा? ओके, अच्छा, तो कॉम्पोजिशन स्कीम इज अ सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी फॉर टैक्स पेयर्स। ये एक सिंपल स्कीम है एंड इजी स्कीम है, किसके लिए? जो जीएसटी टैक्स पेयर्स है उनके लिए, जो जीएसटी टैक्स पेयर्स है उनके लिए। स्मॉल टैक्स पेयर्स कैन गेट रिड ऑफ द टीडियस जीएसटी फॉर्मेलिटीज एंड पे जीएसटी एट ए फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। स्मॉल टैक्स पेयर्स जो होते हैं वो जीएसटी फॉर्मेलिटीज का जो अलग अलग मुश्किल है ना, जो रेगुलर में होते हैं, उनको बहुत सारा फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ता है। क्या है ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनका है, मैंने टीडीएस क्यों है, क्योंकि आईटीसी क्लेम करने का मैटर आ जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि कॉम्पोजिशन डीलर जो होते हैं ना, पॉइंट बी नोटेड सर, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हैं या फिर जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं माने बिजनेसमैन होते हैं, उनको ना आईटीसी नहीं मिलता है, माने इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी के अंदर एक वेरी वेरी हॉट टॉपिक है या सबसे बड़ा टॉपिक मानो, इनपुट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हर जीएसटी टैक्स पेयर चिल्लाता रहता है कि नहीं मेरा आईटीसी है, मेरा आईटीसी है, फिर उसको क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ना, इनवॉइस प्रॉपरली टाइम पे अपलोड करना, फिर मैचिंग करना, फिर लेजर में उसका, जीएसटी पोर्टल में उसका मैचिंग होना, तब जाके आपको मिलता है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, तो इसीलिए इसको बोला गया है टीडियस जीएसटी फॉर्मेलिटीज एंड पे जीएसटी एट ए फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। और इनको क्या करना होता है, टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स रेट पे जीएसटी देना पड़ता है। समझ रहे हो सर? ये इनकम टैक्स में भी एक स्कीम होता है सर, इनकम टैक्स में जो लोग पीजीपीपी चैप्टर कर रहे हो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट होते हैं कि उनको अकाउंट्स मेंटेन वगैरह नहीं करना है, एक फिक्स रेट ऑफ इनकम जनरेट होता है सर, ना टैक्स नहीं, एक फिक्स रेट ऑफ इनकम मतलब रेडी कर लिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन बताएगा मुझे? इनकम टैक्स में या तो 6% या तो 8%, कुछ उसी तरह का यहाँ पर जीएसटी में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। जितना टर्नओवर होगा उसका एक फिक्स परसेंटेज आपका प्रॉफिट मान लिया जाता है, ये इनकम टैक्स में भी है। क्या बोलते हैं, कौन सा सेक्शन है बताओ सर? 44 AB। ए बी, तो टैक्स ऑडिट, ए डी ना, स्कीम का नाम यस क्या सर। है, स्कीम का नाम क्या है? ऐसे इसमें तीन सेक्शन आता है, 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। स्कीम को क्या बोलता है? प्रिज्म प्रिज्म टिप्स के टिप्स के। थैंक यू सर, थैंक यू, कोई तो बताए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। थैंक यू सर। तो जैसे इनकम टैक्स में इस तरह का होता है ना, ऐसा जीएसटी में भी आपको कॉम्पोजिशन डीलर का भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो आप, बट हाँ तरीका अलग है क्योंकि वो इनकम टैक्स है, ये जीएसटी है। द स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाई एनी टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़। इस पे टाइम टू टाइम चेंजेस रहता है, बट ये मोटा मोटी लास्ट चेंजेस यही था, ठीक है, यही आपके लिए भी एप्लीकेबल है अभी एग्जाम के लिए। अगर कोई लेटेस्ट चेंजेस है तो वो पोर्टल में आपको मिल जाएगा सर, या फिर कोई और अपडेटेड नोट्स होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लिमिट में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी यही रेट रहता है। अगर किसी का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, ठीक है, तो फिर इन दैट केस वो कॉम्पोजिशन डीलर बन सकता है। ये पहले 1 करोड़ था, बाद में 1.5 करोड़ हुआ है, पहले आप तो 1 करोड़ था, उसको और
मतलब एक्सटेंड करके 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ कर दिया गया। ओके सर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्कीम इन डिटेल। थोड़ा कॉम्पोजिशन स्कीम को ना डिटेल में समझ लेते हैं फटाफट। ऐसे फटाफट का मतलब ऐसा नहीं कि इतना जल्दी बोले कि आधा से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं करूंगा सर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही बता रहा हूँ, आप प्लीज फोकस करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, है ना, बड़ा ये एग्जाम का क्वेश्चन भी मानो आप। हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, हाउ कैन ए टैक्स पेयर्स ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, एफएक्यू है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। ये सब कहाँ से लिया गया? ये सब इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट का जो साइट है वहीं से लिया गया सर, यही जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन जेनरेट होता है। वट आर द डॉक्यूमेंट शुड ए कंपोजिशन डीलर इशू वाइल मेकिंग सप्लाई, वट आर द जीएसटी रेट्स फॉर ए कंपोजिशन डीलर, हाउ शुड जीएसटी पेमेंट बी मेड बाई अ कंपोजिशन डीलर, वट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाई अ कंपोजिशन डीलर, वट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम का एडवांटेज क्या होता है। What are the disadvantage of composition scheme? तो ये mainly कुछ important question बोलो, इसका जवाब मिलने से आपको पता लग जाएगा। अगर आपको इसका जवाब मिल गया तो आपको पता लग जाएगा कि ultimately composition scheme में होता क्या है। ऐसे तो turnover के बारे में आप लोगों को basics of GST में ही पता चल गया है, जो लोग already GST का basic class कर चुके हो। लिंक अगर नहीं मिला प्लीज कलेक्ट करो सर, और एक बार बैकअप कर सकते हो या फिर रिवाइज कर सकते हो या फिर बाद में लाइव क्लास भी कर सकते हो, नो इशू, आपको जो ठीक लगे कर लेना। एग्जाम जिनका देरी है वो लाइव उसको मिल जाएगा, लेकिन जिनका एग्जाम पास में है उनको शायद लाइव ना मिले, तो वो बैकअप कर ले और डाउट क्लास ले ले आके, ऑफलाइन में आके जो पूछताछ करना है पूछ के जाए, ठीक है। A taxpayer whose turnover is below 1.5 crore can opt for composition scheme. In case of northeastern states, northeast माने India का जो seven sister area है, जिसमें mainly Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, ठीक है, अरुणाचल, ये सब आ जाता है सर। Northeastern states and Himachal Pradesh, इनके लिए limit 75 का है। इसमें भी थोड़ा सा changes आपको देखने को मिल सकता है, तो आप कृपा करके basic का class एक बार देख ले, वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर भी थोड़ा बहुत बाइफर्केशन मिलेगा। आसाम जैसे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, पर आसाम का लिमिट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो प्लीज एक बार बेसिक कवर कर ले सर, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा। तो नॉर्मल लोगों के लिए इंडिया का जो बाकी स्टेट है उनके लिए 1.5 करोड़ है, बट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में हो तो अगर आपका टर्नओवर 75 लाख के नीचे है अप टू, तो इन दैट केस आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो, ठीक है। और साथ में हिमाचल का भी नाम इसमें इंक्लूड किया गया। तो जीएसटी में अमेंडमेंट आया था 2018 में, अ कंपोजिशन डीलर कैन आल्सो सप्लाई सर्विस, जो कंपोजिशन डीलर सर्विस भी सप्लाई करता है, टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर, माने टोटल जितना टर्नओवर होता है उसका 10% भी अगर सर्विस है, टोटल टर्नओवर का 10% रेवेन्यू अगर सर्विस से जनरेट होता है, माने गुड्स तो बेचता ही है सर, गुड्स के साथ साथ एटलीस्ट 10% रेवेन्यू सर्विस से भी जनरेट हो जाता है, माने टर्नओवर का 10% टर्नओवर सर्विस से जनरेट होता है। जैसे रेस्टोरेंट क्या करता है, खाना भी बेचता है साथ में सर्विस भी देता है, मिक्सअप हुआ ना। तो ऐसे हर बिजनेस का थोड़ा बहुत गुड्स एंड सर्विस मिक्सअप कभी कभी देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस। कि अगर कोई बिजनेस में नॉर्मली गुड्स का ही काम है, बट आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सर्विस भी आ जाता है, जैसे मानो, और कुछ ऐसे भी हैं जो नॉर्मली सर्विस है पर थोड़ा बहुत गुड्स भी बेचता है, दोनों मिलता है। तो यहाँ पर बोल रहे कि अगर कोई पर्टिकुलर डीलर, ठीक है, जिनका रेवेन्यू नॉर्मली 1.5 करोड़ से कम है, नॉर्थ ईस्ट के केस में 75 लाख से कम है, कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विस टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर और ₹5 लाख, व्हिच एवर इज हायर, ठीक है, या तो 5 लाख या तो टर्नओवर का 10% अगर सप्लाई सर्विस है, तो can also supply service to an extent of 10% of turnover, या फिर 5 लाख, whichever is higher, जो ज्यादा होगा, तो वो भी composition scheme में
आ सकता है. दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2019 से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ था. फर्दर जीएसटी काउंसिल अपने 32nd मीटिंग में प्रपोज किया था इंक्रीज टू दीज लिमिट्स. ओके, ऐसा मीटिंग होता रहता है सर जीएसटी में ना, इस तरह का मीटिंग काउंसिल का होता रहता है. और जीएसटी में अगर कुछ चेंजेस लाने वाला है ना, अगर कुछ चेंजेस आने वाला है तो वो भी ना मीटिंग के थ्रू से डिक्लेयर किया जाता है. ऐसे जब आप लोग रियल लाइफ काम करोगे ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, जब आप रियल लाइफ काम करोगे तब आपको ये सब अपडेट पता होना चाहिए कि रिसेंट अपडेट क्या है, कब से एप्लीकेबल होने वाला है. तो कहाँ से मिलता है डेटा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के साइट से. ठीक है, यहाँ पर क्या करेंट रेट चल रहा है, आप चाहो तो बुकलेट रेडी कर लो. ठीक है, गुड्स का रेट क्या है, सर्विस का रेट क्या है, सब मिल जाएगा सर. कौन से गुड्स पे क्या रेट है, कौन से सर्विस पे क्या रेट है, यू विल गेट एवरीथिंग यार. देख पा रहे सर, एकदम पूरा लिस्ट है, जो जानना है जान जाओगे. सर ये तो पूरा खुली किताब है. अरे हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, खुली किताब है, पढ़ना है पढ़ लो. नॉलेज के लिए और क्या चाहिए. ये कंस्ट्रक्शन सर्विस है. ठीक है, थोड़ा और नीचे आ जाओ, कंस्ट्रक्शन सर्विस का भी पार्ट है अलग अलग. फिर नीचे और आ जाओ. ठीक है, एकोमोडेशन एंड फूड बेवरेज का भी रेट दिया है. जो जानना है सर, सब रेट दिया हुआ है. इस बार कुछ नहीं, रेट का ही खेला है. ठीक है, तो ये जीएसटी रेट्स का भी आपको अपडेट मिल जाएगा. काउंसिल कब लास्ट मीटिंग किया था उसका भी आपको अपडेट मिलेगा. ठीक है, 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो चुका है 18 फरवरी को. ठीक है, लेटेस्ट में भी शायद एक हुआ है. चलो डजेंट मैटर, अभी अभी के लिए ज़रूरी नहीं है. आप जीएसटी में अपडेट इस तरह से हो सकते हो सर. सब ओपन है, बस जानना है सर, वही तो प्रॉब्लम है. ओके, अच्छा, टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेस रजिस्टर्ड विद द सेम पैन शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू कैलकुलेट टर्नओवर. अरे आप अगर सिंगल पैन से रजिस्टर्ड हो एज ए बिजनेस मैन, तो आपके सेम पैन से जितना भी टर्नओवर आप करते हो ना, अलग अलग बिजनेस मिला के, कुल मिला के अगर 1.5 करोड़ के नीचे अगर आप हो तो आप कॉम्पोजिशन में आ सकते हो. यही पहले 1 करोड़ हुआ करता था, 2018 के बाद इसको 1.5 करोड़ तक लिमिट को बढ़ा दिया. दैट्स इट सर. ठीक है, ओके सर, बात समझ गए ना. में एक अपडेट आया था 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में. सर्विस प्रोवाइडर्स कैन ऑप्ट इनटू द कंपोजिशन टैक्स स्कीम एंड द गवर्नमेंट हैज सेट द थ्रेशोल्ड टर्नओवर फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स 50 लाख टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो और अगर आप 50 लाख तक आपका सर्विस का टर्नओवर है, ठीक है, ग्रॉस रिसीप्ट है, तो इन दैट केस आप अप टू 50 लाख के अंदर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो. सर कंपोजिशन स्कीम चिल्ला रहे हो, पर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कंपोजिशन स्कीम में फायदा क्या है. सर वही तो मैं बोला ना, इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल टैक्स पेमेंट सिस्टम फॉर द जीएसटी टैक्स पेयर्स, क्योंकि इसमें झमेला कम है. इसमें अकाउंट्स मेंटेन करने का, मैंने जीएसटी का डेटा मेंटेन करने का, आईटीसी क्लेम करने का, ये सब झमेला के अंदर नहीं है. कोई पूरा टर्नओवर के बेसिस में जीएसटी पे करना है. मैं बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ कि क्या कौन से गुड्स पे नॉर्मली क्या रेट लगता है. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा रुक जाओ, सब जवाब मिलेगा. पोर्टल में कहाँ जाना है वो भी थोड़ा बता दूंगा. ठीक है, ये देखो, आपको सर्विस में जाके एप्लीकेबल टू ऑप फॉर कंपोजिशन लेवी में भी जा सकते हो आप. जीएसटी पोर्टल में कैसे जाना है सारा चीज मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ. थोड़ा सा बस हमेशा की तरह क्या चाहिए सर, पेशेंस चाहिए. ओके, हु कैनॉट ऑप फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन डीलर कौन नहीं बन सकता. मैंने दो स्कीम होता है सर, एक रेगुलर एक कॉम्पोजिशन. ठीक है, रेगुलर वाले का क्या है, उनको सारा चीजें मेंटेन करना पड़ता है. कॉम्पोजिशन वाले को इतना झमेला नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग छोटा मोटा बिजनेसमैन है. ठीक है, इनके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा बार्डन नहीं लगाना चाहता कि जीएसटी को मेंटेन करने के लिए किसी को रखो, जॉब में रखो, फिर वो सारा काम करे, तो छोटा मोटा बिजनेसमैन मर जाएगा. मैंने उनका बहुत दिक्कत हो जाएगा, कमाएगा क्या और खाएगा क्या, समझ रहे हो सर. तो वही कहना चाहता है, अगर 1.5 करोड़ का टर्नओवर है तो उसमें हार्डली 10-15% आपका, तो 10-15 लाख अगर एनुअली किसी कोई इनकम कर रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहता. दैट इज द रीजन. तो यहाँ पर कुछ ये भी बता दिया पहले से, हु कैनॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. इनमें से कुछ लोग, कुछ बिजनेसमैन
जो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकता, भले ही कितना भी टर्नओवर कम हो ज्यादा हो, डजंट मैटर। जैसे कि अगर आप एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हो, पान मसाला मैन्युफैक्चरर हो या टोबैको मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, अगर कोई आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, पान मसाला मैन्युफैक्चरर है, अरे वही कमला पसंद या फिर जुबा केसरी इस टाइप का, समझ रहे हो ना, आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको, इस तरह का जो भी मैन्युफैक्चरर है, ये कॉम्पोजिशन स्कीम पे नहीं आएगा। ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, अगर कोई स्टेट चेंज करके अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, स्टेट चेंज करके माने माने सिंपल बात है, अगर आपका वेस्ट बंगाल से गुड्स या सर्विस बिहार जाता है, या फिर बिहार से यूपी जाता है, या फिर यूपी से दिल्ली जाता है, ठीक है, तो सिंपल बात है, जब स्टेट चेंज होता है उसे इंटर स्टेट कहते हैं, और जब सेम स्टेट के अंदर होता है तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। तो अगर आप मोटा मोटी नेशनल लेवल बिजनेस करते हो, इसको नेशनल लेवल बोलते हैं ना, स्टेट लेवल के ऊपर क्या होता है, नेशनल लेवल। तो जब आप नेशनल लेवल बिजनेस करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में या कॉम्पोजिशन डीलर नहीं बन पाओगे, भले ही आपका लिमिट कम हो, डजंट मैटर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल माने बेसिकली जो कभी कभी कुछ बिजनेस कर लेता है, इसका भी एक अलग चर्चा करूंगा सर आपके साथ, ये रेगुलर में बिजनेस नहीं करता, बट मे बी एनुअली एक आध बार बिजनेस करता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, तो उनके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। या फिर कोई NRI नॉन रेसिडेंट, माने इंडिया का नहीं है, बाहर का है, बट इंडिया में बिजनेस करता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया में टैक्स देता है बट रेगुलरली बिजनेस नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम खुला नहीं है। बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से, माने जैसे आपको मैं बोला ना कि देयर आर लॉट्स ऑफ सेलर और सप्लायर, ये जो अमेजन वगैरह चलता कैसे है सर, इनका खुद का प्रोडक्ट थोड़ी है। हेलो, अमेजन का जो प्रोडक्ट है, अमेजन में फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट दिखता है वो अमेजन का है क्या? ये नॉर्मली कोई अपना प्रोडक्ट अमेजन के थ्रू से, किसी का नॉर्मल बिजनेस भी है ना, वो भी अपने आपको अमेजन में लिस्ट करके प्रोडक्ट बेच सकता है, पता है आपको? हेलो, अरे पता है कि नहीं? ये देखो, जैसे मैंने लिखा अमेजन फॉर बिजनेस, क्या लिख रहा है, जीएसटी इनवॉइस फॉर टैक्स क्रेडिट, ठीक है, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो फिर आपको इनवॉइस रेडी करना पड़ेगा, सिंपल बात है सर, क्योंकि आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू से करोगे, ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू से, तो आपको ये सब कॉम्पोजिशन डीलिंग में नहीं देगा, ठीक है। business.amazon B2B wholesale, ये reshape buying for your business, क्या करना होता है नॉर्मली यहाँ पर ना, आपको एज ए बिजनेस मैन अमेजन के साथ टाई अप करना पड़ता है, कुछ नहीं, आपका क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या सप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, आपको अपना दुकान नहीं खोलना है, आप अमेजन के थ्रू से अपना प्रोडक्ट बेचो, जिस जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, हॉस्पिटलिटी सर्विस, एडुकेशन प्रोडक्ट, पेंट्री प्रोडक्ट्स, फूड हॉस्पिटलिटी, इंडस्ट्रियल MRO, क्लीनिंग सप्लाईज, अमेजन में बहुत चीज बिकता है ना, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को अकाउंट बना के, और बाइंग गाइड्स भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, इस तरह से होता है सर, ठीक है, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी बहुत है कि किस तरह से एक बिजनेस मैन अमेजन के थ्रू से अपने आप को बेच सकता है, तो वही बात यहाँ पर भी बोला है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है कि बिजनेस विच सप्लाईज गुड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम का रास्ता नहीं है, वो रेगुलर स्कीम में रहेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में स्पेशल टाइप सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ जीएसटी पेमेंट है ना सर, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो आपको कुछ केस में ये सिंप्लीफाइड वर्जन अलाउड नहीं है, इसका एक सिंपल लिस्ट आपको मैं बताया, याद रखना सर, लेकिन अभी भी पूरा बात समझ में नहीं आ रहा आप लोगों, है ना कि सर वो तो ठीक है बट कॉम्पोजिशन स्कीम में होगा क्या? अरे सर कुछ नहीं होगा, सिंपल, आप जीएसटी का जो भी टर्नओवर होगा
उसके ऊपर या तो 1%, ठीक है, या तो सपोज किसी ने, एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स, अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर गुड्स का, आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है 1% का। अगर आप रेस्टोरेंट, अगर अल्कोहल सर्विस नहीं करते, ठीक है, अल्कोहल सर्व नहीं करते तो 5% का, ठीक है, और अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके लिए 6% का टोटल जीएसटी है। तो से फॉर एग्जांपल आपका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 6% आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। जितना आपका टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको लम सम में गवर्नमेंट के घर में जमा करना है। 1% है तो 1%, 5% है तो 5%, 6% है तो 6%। इसका असुविधा भी बहुत है सर, आप समझ रहे हो ना, इसका असुविधा बहुत है, क्योंकि आप ITC वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ क्या सुविधा असुविधा है, बताता हूँ। करीब 6 लाख के आसपास का वैल्यू हो जा रहा है तो टर्नओवर के ऊपर नॉर्मली लम सम में देना पड़ता है। कैलकुलेशंस आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, कैलकुलेशंस आपको मैं बताता हूँ, बट उससे पहले आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरिटी ले लो। जैसे यहाँ पर सवाल करता है, व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम पे आने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। जैसे पहला कंडीशन, नो ITC कैन बी क्लेम्ड बाय ए डीलर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर बनोगे तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे ITC क्लेम? बिकॉज आप लमसम में लो रेट ऑफ टैक्स में आ जाते हो ना, आपको अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करना है, GST के लिए अलग से आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, बस लमसम में एनुअली एक टैक्स पे करो। 2-3 चीजें होते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हो, एनुअल भी कर सकते हो, QRMP स्कीम, ये सब आगे आगे बताऊंगा रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है GST रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, वहां पर मैं ये सब चर्चा करता हूँ। तो वहां पर मैं बताऊंगा कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आपके लिए क्या है, और अगर आप नॉर्मल हो तो आपके लिए क्या है। तो पहले ये तो जान लो सर कि कॉम्पोजिशन डीलर का सेल क्या है, तो आपको ITC नहीं मिलेगा। अच्छा, ITC का कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको पता है, क्योंकि ये मैंने बेसिक्स में भी बताया, और मैंने चार्ज अंडर GST जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही ITC का डिस्कशन किया था। आई होप सबको याद है सर, है ना, कि अगर आप ITC क्या होता है, कि से फॉर एग्जाम्पल एक B2B ट्रांजेक्शन्स, एक होलसेलर और एक रिटेलर के बीच में हो रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एक होलसेलर और एक रिटेलर, मानो B2B माने बिजनेस टू बिजनेस, हाँ ये सब बिजनेस टू बिजनेस ही है ना। तो मानो कि कोई मिस्टर सी है और कोई मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी होलसेलर है, मिस्टर सी रिटेलर है। तो मिस्टर सी क्या करता है, मिस्टर सी मिस्टर बी का दुकान है बड़ा बाजार में, ठीक है, मिस्टर बी का दुकान है बड़ा बाजार में, मिस्टर सी का भी शॉप है, मिस्टर सी अपना दुकान खोल के रखा है, कहाँ बताया जाए, सी से कोई जगह का नाम सर, मानो सेंट्रल कोलकाता, ठीक है, तो मिस्टर सी सेंट्रल कोलकाता में एक शॉप चलाते हैं, मिस्टर बी बड़ा बाजार में होलसेलर है, किस चीज का, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, से फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कुछ भी, कोई भी नाम ले लो, लैक्मे है ना, बहुत सारे बड़े बड़े नाम है। तो मिस्टर सी क्या करता है, मिस्टर बी से बड़ा बाजार से कॉस्मेटिक्स परचेस करता है होलसेल रेट में, और सेंट्रल कोलकाता में रिटेलर बनके रिटेल कस्टमर को बेचता है खुदरा, ठीक है। एक बात का ध्यान देना सर, जब हम लोग एक ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स परचेस करने जाते हैं, प्लीज मेरा बात का जवाब देना प्रॉपरली। सपोज आपने लैक्मे कंपनी का कोई ब्रांडेड फेस वॉश या फिर कुछ भी परचेस करने गए, और अगर आप बिल ले लिए दुकान से, मैं मान के चलता हूँ कि आप बिल लेके ही चल रहे हो,
सपोज आपने 500 रुपीज का एक प्रोडक्ट लिया जिसपे मानो 12% का जीएसटी है, ठीक है, तो आप 500 का प्रोडक्ट का प्राइस और 12% जीएसटी दे के आ रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मिस्टर सी जब प्रोडक्ट परचेस करता है होलसेलर से तब उसको उसको भी जीएसटी देना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मिस्टर सी जब मिस्टर बी से परचेस कर रहा है, से फॉर एग्जाम्पल 500 का कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उसमें 10% जीएसटी दिया, ठीक है, तो 50 प्रोडक्ट में जीएसटी दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत केस में ऐसा होता है लोकल छोटा छोटा बिजनेसमैन को कि वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाता, तो गवर्नमेंट को भी जीएसटी पे नहीं कर पाता। तो सिंपल बात है, वो मिस्टर सी परचेस करता है जीएसटी देके बट सेल करता है बिना जीएसटी का, तो ऐसे सिचुएशंस में इनको दिक्कत हो जाता है आईटीसी क्लेम करने का, है ना, हिसाब किताब मेंटेन करने का। ये नॉर्मली स्मॉल बिजनेसमैन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बिग बिजनेसमैन को प्रॉब्लम नहीं है, उनका सारा खेल जीएसटी के साथ होता है। गवर्नमेंट चाहते हैं कि सब कोई जीएसटी के अंदर आ जाए, कॉम्पोजिशन वाले भी जीएसटी के अंदर तो है पर पूरा पूरा नहीं है, परचेस करता है जीएसटी देके पर बेचता है बिना जीएसटी का, तब वो क्लेम करने में फंस जाते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट इनसे जीएसटी तो लेता है बट लमसम में लेता है। सर व्यापारटा बोझा जाच्छे, समझ में आ रहा है सर? ऐसा होता है ना कि हम लोग दुकान में जाके हर दुकानदार को जीएसटी देते हैं, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप बोलो या फिर कहीं पर भी जीएसटी देते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्ट परचेस करके लाते हैं? अरे बोलो सर, आपके आसपास पे लोकल दुकान पे आप लोग हमेशा जीएसटी देते हो क्या? नहीं देते हो ना सर, वही बात है। लेकिन आप देखना दुकानदार उसका जीएसटी देके आया है, क्योंकि दुकानदार ने आपका दुकानदार जिनसे परचेस किया है वो बिना जीएसटी का बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उनको वो बड़ा प्लेयर है, इज अ बिग बिजनेसमैन, वो ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकता, और उसको आईटीसी क्लेम होता है और उसका टर्नओवर। हाँ बोलो सर। तब तो सर जीएसटी इसका एक्सपेंस बन जाएगा। हाँ वही तो प्रॉब्लम है, दिक्कत हो जाता है सर, वही तो प्रॉब्लम है। इसको तो एक लमसम अमाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा कोई भी रेट से। हाँ, और इसका एक्सपेंस के तौर पे ये देखेगा जीएसटी को, ठीक है। ये बेसिकली बिजनेस कर रहा है एक, और एक छोटा मोटा अमाउंट लमसम के ऊपर देना पड़ता है, तो ये इनके लिए बड़ा ही चिंता है। तो इसीलिए ज्यादातर बिजनेसमैन जब उसका बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है ना, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रहना नहीं चाहता है, वो रेगुलर में ही आना चाहेगा। बट इसका भी रेगुलर में आने का भी झमेला है, झमेला ये है कि आपको हर चीज का हिसाब किताब पूरा पक्का रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और उसके लिए आप दुकानदारी करोगे कि जीएसटी का हिसाब रखोगे, तो उसके लिए आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो इनकम टैक्स जीएसटी का सारा हिसाब किताब ठीक ठाक रखेगा, है ना, अकाउंट्स का हिसाब रखेगा साथ में जीएसटी का भी हिसाब रखेगा। आई होप बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब इश्यूज नॉर्मली सामने देखने को मिलता है, ठीक है। गुड इवनिंग चुमकी, आवाज आसछे? हेलो चुमकी, हमारा आवाज पाछे ना अपने? हां सर पाछे। ओके ओके, हां ঠিক আছে, আমরা একটু মুভ অন করে গেছি, ঠিক আছে, তবু দেখুন হয়তো বুঝতে পেরে যাবেন, ঠিক আছে, দেখুন পরে আমি ব্যাকআপ দিয়ে দেবো, আপনি যতটা পার্ট করে ফেলেছি ওটা শুনে নেবেন একবার। ওকে স্যার, ওকে ওকে, ঠিক আছে স্যার। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, যদি মাঝখানে আমার ডিসকানেক্টেড হয়ে যায় আমি আবার রিজয়েন করে নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নো ইস্যু। ওকে স্যার। तो बेसिकली सर क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम एवेल करने का कुछ कंडीशंस है। तो पहला बात की अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, ठीक है, तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर जो होते हैं ना जीएसटी के अंदर, उनको इनपुट क्रेडिट क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो छोटा प्लेयर है,
और मैं वही चीज आपको अभी इतना देर से समझा रहा था, बी टू बी ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा था, द डीलर कैनॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ऐसे तो अल्कोहल जीएसटी के अंदर है ही नहीं, ठीक है, इसमें नॉर्मली स्टेट वैट लगता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल। माने अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, अल्कोहल वगैरह नहीं कर सकते। द टैक्स पेयर्स हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर ट्रांजेक्शन अंडर रिवर्स चार्ज मेकानिज्म, और इसमें आपको जो भी करना है रिवर्स चार्ज के तौर पर करना है। The taxpayer has to pay tax at normal rates for transaction under the reverse charge mechanism, RCM category में आ जाओगे। माने आप recipient हो, आपको ही tax pay करना है। आप जब किसी से product purchase करते हो, तो recipient कौन बना सर? आप ही बने ना। As a composition dealer आप सोचो, मैंने यहाँ पर एक Mr. A का example लिया था, और मैंने एक Mr. C का example लिया था। Mr. B का example था, Mr. C का। Mr. B from बड़ा बाजार wholesaler है, और मिस्टर सी फ्रॉम सेंट्रल कोलकाता जो कि एक रिटेलर है। तो यहाँ पर मिस्टर सी जब मिस्टर बी और बड़ा बाजार से प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली मिस्टर सी खुद ही रिसिपेंट है ना, खुद रिसिपेंट है, तो वो एज ए रिसिपेंट ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, इन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसीलिए बोला सर, आप लोगों को पता है रिवर्स चार्ज में क्या होता है? नॉर्मल जीएसटी का सिस्टम और रिवर्स चार्ज, नॉर्मल जीएसटी में दो सिस्टम होता है, एक फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। इसके ऊपर बहुत एग्जांपल हुआ सर। फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मली जीएसटी का नॉर्मल सिस्टम है, फॉरवर्ड चार्ज जो सप्लायर होगा प्रोडक्ट का गवर्नमेंट के घर में वही जीएसटी पे करेगा। मैं रोज बोलता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर है वही जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो रिसिपियंट है, ठीक है, जो रिसिपियंट है वो गवर्नमेंट के घर में पे करता है। ऐसे तो इसके ऊपर आप लोगों ने ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल देखा, जो फॉरेन से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है उनका एग्जांपल देखा, हजारों एग्जांपल देखा आप लोगों कि कब कब रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जीएसटी गवर्नमेंट के घर में पे करता है। ऑलरेडी बहुत, इवन कॉम्पोजिशन डीलर भी यहाँ पर आरसीएम कैटेगरी में पड़ जाता है, वो भी रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट में करता है। अच्छा, इफ ए टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस, अगर कोई टैक्सेबल बिजनेसमैन है, ऑब्वियसली देखो अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में है या फिर नॉर्मल में है तो टैक्सेबल ना, गवर्नमेंट के घर में टैक्स देके वो अपना धंधा चलाता है, सिंपल बात है। इफ ए टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस सच एज टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, ग्रोसरीज एक्सेट्रा अंडर द सेम पैन, देन दे मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेस अंडर द स्कीम कलेक्टिवली और पुट आउट ऑफ द स्कीम। अगर वो कॉम्पोजिशन में रहना चाहता है, सारे के सारे बिजनेस का एक साथ जो भी उसका है अगर सेम पैन के थ्रू से है, तो उसी पैन के थ्रू से वो अपने आप को रजिस्टर करे, कर सकता है। नॉर्मली लिमिट क्या है कॉम्पोजिशन पे रहने का, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहे अगर आप नॉर्मल स्टेट में हो, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो 75 लाख, है ना, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो 75 लाख, दैट इज द बेसिक लिमिट। अमेंडमेंट कभी कभी आता रहता है, उसका ख्याल रखना, ठीक है। तो 1.5 करोड़ तक टर्नओवर या फिर 75 लाख तक का टर्नओवर अगर आपका एनुअल है, तो ये जो टर्नओवर का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे कैलकुलेट होगा? चाहे आपका एक तरह का बिजनेस हो या तीन तरह का बिजनेस हो, है ना, जैसे आपका सेगमेंट अलग है, टेक्सटाइल भी बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी बेचता है कोई, और ग्रोसरीज भी बेचता है, तो सब मिला जुला के उनका हिसाब हो जाएगा। दे मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेस अंडर द स्कीम कलेक्टिवली और ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम, या तो सब बिजनेस को एक करके टोटल टर्नओवर देखो और कॉम्पोजिशन डीलर बन जाओ, कि भाई तीन चार अलग अलग धंधा है मेरा, धंधा वर्ड को डोंट टेक नेगेटिवली, ओके। मैं जस्ट शाहरुख खान का वही याद आ जाता है सर, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सर मूवी फिल्मी हो जा रहे हो आप, नहीं सर सॉरी फिल्मी नहीं बन रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोलता, आप लोग इसको नेगेटिवली मत ट्रीट करना। Now point is that कि अगर आप सभी बिजनेस का टर्नओवर को कलेक्टिवली ना जोड़ना चाहोगे, अलग अलग करना चाहोगे, तो फिर आप कॉम्पोजिशन डीलर नहीं बन पाओगे, ठीक है, माने बेसिकली इस स्कीम के अंदर नहीं आ पाओगे। तब आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा कि नहीं मैं हर बिजनेस का अलग अलग जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहता, करो सर नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट तो चाहते ही है। टेक्सटाइल का अलग करो, इलेक्ट्रॉनिक का अलग करो, ग्रोसरीज का अलग करो, नो इशू विद दैट,
लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशंस में रहोगे तो कलेक्टिवली सारा बिजनेस का टर्नओवर को कैलकुलेट करो और फिर लिस्ट कर दो। और एक बात सर, जो भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं जीएसटी के अंदर, हैज टू मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। यस सर, वो अपने बिजनेस जहां भी वो बिजनेस करता है, चाहे वो रेस्टोरेंट चला रहा हो, चाहे वो कोई दुकान चला रहा हो, और अगर वो कॉम्पोजिशन डीलर है तो अपने दुकान के अंदर या जहां से भी अपना बिजनेस को कंट्रोल करता है वहां डिस्प्ले करेगा, साइन बोर्ड लगा देगा कि भाई मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं, इसीलिए मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं करता। यस सर, दैट इज द रीजन। वो कॉम्पोजिशन डीलर है इसलिए वो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेगा, सिंपल बात है। कैसे करेगा सर, वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको आईटीसी नहीं मिलता, तो कैसे जीएसटी कलेक्ट करेगा। द टैक्सपेयर्स हैज टू मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई, तो इसीलिए वो इनवॉइस भी रेज नहीं कर सकता। वो जो रेज करेगा उसको बिल ऑफ सप्लाई कहता है, क्योंकि इनवॉइस पे और बिल ऑफ सप्लाई में फर्क होता है। इनवॉइस में जीएसटी वैल्यू रहता है और बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। यही यही बेसिक फॉर्मेट मतलब डिफरेंस है इनवॉइस के साथ बिल ऑफ सप्लाई का। मैंने बेसिकली दुकान का जो पैडेड बिल होते हैं उसे बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं, और जो इनवॉइस होगा उसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा सर, उसमें पूरा जीएसटी के साथ आपका इनवॉइस रेज होता है। आपके पास बिल तो आता होगा ना सर, अगर आप लोग बिजनेस नहीं चलाते हो या कोई बिजनेस पे आप जॉब नहीं करते हो तो घर पे तो जीएसटी बिल आता होगा। कुछ भी परचेस करते हो जीएसटी बिल चेक किया करो, शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हो, शोरूम में जाके खरीद के लाते हो, ऑनलाइन में प्रोडक्ट परचेस करते हो, बिल तो घर पे आता है, चेक करो ना कि कैसे बिल बना हुआ है। तो देखना जहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन करता है या फिर आईजीएसटी सिर्फ देके रखता है ना, अगर अगर अलग स्टेट से आता है ना तो आईजीएसटी देके रखेगा, और अगर सेम स्टेट के अंदर से आ रहा है जहां से आप हो तो आप देखना, अगर 18% है तो 9% 9%, और अगर स्टेट बदल के आ रहा हो तो 18% डायरेक्ट चार्ज करता है। और अगर बिल ऑफ सप्लाई है जो नॉर्मली दुकानदार आपको देते हैं, एक बिल बना के दे देता है, उसमें जीएसटी कुछ बताता नहीं है, डायरेक्टली बिल देते, तो बिल ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एज पर द जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2018 अमेंडमेंट आया था, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर कैन नाउ ऑल्सो सप्लाई सर्विस टू एन एक्सटेंट टू 10% ऑफ द टर्नओवर, ठीक है। जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, गुड्स ट्रेड करता है, वो थोड़ा बहुत सर्विस भी दे सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम में रह के, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका सर्विस का जो परसेंटेज है, मैंने मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर के तौर पे अगर वो कोई सर्विस भी साथ में देना चाहता है दे सकता है, सर्विस का पैसा भी ले सकता है, मैंने सर्विस माने क्या सर्विस बिजनेस, लेकिन वो टोटल टर्नओवर का हार्डली 10% होना चाहिए या मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है। ये बात मैंने कुछ देर पहले भी बोला, तो फिर क्या है, आप सर्विस मैंने मैन्युफैक्चरर ट्रेडर तो आप हो ही, थोड़ा बहुत सर्विस भी दे रहे हो, बट सर्विस का वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकता, टर्नओवर का 10% तक हो सकता है, तभी जाके आप कॉम्पोजिशन डीलर बन सकते हो, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन का जवाब दिया सर। क्या क्या जवाब हुआ सर, पहला बात की कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, ठीक है, उसमें टर्नओवर का खेला है। फिर एक सवाल था हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हु कैनॉट ऑप्ट फॉर, मैंने नॉर्मल लोग तो कर सकता है जिनका टर्नओवर मैच कर जाए, पर टर्नओवर मैच करके भी कुछ लोग नहीं कर सकता, ये एक सवाल का जवाब हुआ। फिर व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है, ये कंडीशंस आपको मैंने मेन कंडीशंस आपको बताया। फिर आता है हाउ कैन टैक्स पेयर्स ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो उसके लिए जीएसटी में करना क्या होता है, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बेसिक एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्सपेयर हैज टू फाइल जीएसटी CMP02 विद द गवर्नमेंट, दिस कैन बी डन ऑनलाइन बाय लॉगिंग जीएसटी पोर्टल एंड दिस इंफॉर्मेशन शुड गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय अ डीलर वांटिंग टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसका पूरा गाइडेंस आपको जीएसटी साइट के थ्रू से मिल जाता है, ऐसे तो ये करंट जरूरत नहीं है, बट जब आप लोग काम करोगे ना जीएसटी रिलेटेड तब आपको पोर्टल में जाके
जीएसटी पोर्टल के जाके आप यहाँ पर अलग अलग फॉर्म निकलते हैं और यहाँ पर लॉगिन जनरेट करके भी आप निकाल सकते हो। यहाँ लॉगिन का एरिया है, ठीक है, यहाँ लॉगिन करके और एज वेल एज किस काम के लिए क्या फॉर्म होते हैं उसका भी आपको यहाँ पर ड्यू डेट्स के साथ भी, मतलब ये नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म्स वगैरह है, ठीक है, और अगर आप कॉम्पोजिशंस में हो तो लॉगिन करके आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बस नॉलेज के लिए जितना ज़रूरी है उतना बता रहा हूँ, बाकी जब आप लोग रियल लाइफ में जीएसटी का काम करोगे तो आपको ये सब मतलब रेलिवेंट फॉर्म का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा एकदम पोर्टल के थ्रू से हो जाता है। ऐसे एक बार यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकता हूँ। हाँ, ये क्लियर टैक्स मुझे लेके आ रहा है, एक सेकेंड। गाइड टू फाइल सीएमपी 02 जीएसटी पोर्टल के अंदर सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, कर सकते हैं। चलो दिखाते हैं, सर्विस में जाओ, रजिस्ट्रेशन में जाओ, ठीक है, ये ओरिजिनल में आ गए सर। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में करो, ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप मतलब किस तरह का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो आपको आगे आगे पूछेगा, ठीक है, आपको आगे आगे पूछेगा कि किस टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हो, रेगुलर या कॉम्पोजिशंस वाला, समझ रहे हो सर बात। हेलो, कुछ बातें थोड़ा प्रैक्टिकल हैं, जब आप लोग जीएसटी रिलेटेड फार्म में काम करोगे या कंपनी में काम करोगे आपको उसका भी आइडिया ऐसे लग जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील सर, लेकिन नॉलेज होना चाहिए ना कि किस काम के लिए क्या होता है, पता लगेगा ना, कोई ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ी सिखाएगा, नॉलेज रहेगा 2-3 दिन कंप्यूटर के सामने बैठोगे सीख जाओगे, पर नॉलेज नहीं रहेगा और कंप्यूटर के सामने बैठ के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको डिटेल्स नहीं बोलेगा इतना, प्रोफेशनल वर्ल्ड बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है सर। ये देखो एप्लीकेशन टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स लेवी, रजिस्ट्रेशन के बाद ये एरिया नॉर्मली खुलता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ये एरिया नॉर्मली खुलता है, तो तब आपको वहां पर बताना पड़ता है। ये पोर्टल का ही एक फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, ये जो पोर्टल था ना ये जीएसटी पोर्टल का ही एक एरिया था, उसके अंदर सर्विस में जाके रजिस्ट्रेशन में जाके फिर जाके आप यहाँ पर कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पेमेंट अंडर सर्विसेस, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, ये सब भी बोलेंगे सर, ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, ये जो HSN कोड, ठीक है, ये सभी आगे बात करेंगे, लास्ट दिन थोड़ा बात हो रहा था, मैं इसका भी बात करूंगा। ओके, तो ऐसे सारा काम इसी के थ्रू से होता है जीएसटी रिलेटेड, जीएसटी पोर्टल के थ्रू से, तो वो आप लोग सीख जाओगे धीरे धीरे, और एक चैप्टर भी आएगा ऐसे रिटर्न फाइलिंग का, तब मैं और बताऊंगा आपको। अच्छा, हाउ शुड ए कॉम्पोजिशन डीलर इज रेज बिल, बिल कैसे रेज करेगा, कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, क्यों, मैं भी आपको बता रहा था, क्योंकि वो ITC वगैरह क्लेम नहीं कर सकता, तो फिर टैक्स इनवॉइस कैसे रेज करेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट के घर में एक लमसम वैल्यू में टैक्स जमा करेगा। दिस इज बिकॉज ए कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट से पब्लिक से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, तो फिर टैक्स इनवॉइस क्यों रेज करेगा, दे नीड टू पे टैक्स आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट, यही बात कर रहा था ना, आयन बोल रहा था कि सर इसका मतलब, यस सर, इसका मतलब इनका खर्चा है, यस सर, इसका मतलब इनका खर्चा है, कॉम्पोजिशन डीलर को जो जीएसटी पे करना पड़ता है वो उनके लिए एक तरह का खर्चा, क्योंकि उन्हें अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। बट अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो, अगर आप एक रेगुलर जीएसटी डीलर हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन में नहीं हो, तो आपको खुद के पॉकेट से नहीं करना पड़ता, सारा चीज बार्डन शिफ्ट हो जाते हैं। बेसिक क्लास कर लो ना एक बार जीएसटी का, जीएसटी का बेसिक पहला 4-5 क्लास कर लो, वहां पर समझाया गया है, क्लियर कट समझाया गया है कि कैसे जीएसटी बार्डन शिफ्ट होता है। Hence, the dealer has to issue a bill of supply. The dealer should also mention composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill of supply. ये बात भी उनको लिखना पड़ता है bill of supply के ऊपर कि हम लोग माने वो अपने दुकानदार जो है बिजनेसमैन जो ऐसे बता देता है अपने बिल के ऊपर, ये रूल है, गवर्नमेंट का ही रूल है, रेट मोटा मोटी ऐसा चल रहा है सर। मैन्युफैक्चरर के लिए 1% CGST 0.5 SGST 0.5 रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्विस नहीं करता है उनके लिए 5% और अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6%।
हाउ शुड जीएसटी पेमेंट बी मेड बाय अ कंपोजिशन डीलर, कैसे वो करेगा? कुछ कॉमन क्वेश्चन है ये सब. जीएसटी पेमेंट हैज टू बी मेड आउट ऑफ पॉकेट फॉर द सप्लाईज मेड. द जीएसटी पेमेंट टू बी मेड बाय अ कंपोजिशन डीलर कंप्राइज द फॉलोइंग. जैसे कि वो जो भी करेगा सप्लाई के बेसिस में करेगा. और उसके पास क्या है? बिल ऑफ सप्लाई है ना. उसके पास क्या है सर? बिल ऑफ सप्लाई है. उसके पास इनवॉइस नहीं है, बट बिल ऑफ सप्लाई तो है ना. क्योंकि इनवॉइस क्यों नहीं है? क्योंकि वो जीएसटी चार्ज नहीं करता. लेकिन सर प्रोडक्ट तो बेच रहा है ना, प्रोडक्ट तो बेच रहा है ना एक कॉम्पोजिशन डीलर. मैं आपको ओरिजिनल दिखाऊं क्या? कॉम्पोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई मिल जाएगा, गूगल करने से मिल जाएगा. नॉर्मली लिखा रहता है सर कि वो कॉम्पोजिशंस में है और जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा. ये देखो ये वाला बिल अच्छा है. दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर बोलो, दिख रहा है कि नहीं? देखा जाच्छे? ये देखो क्या नाम है, ब्राइट ट्रेडर्स. ओके 123 एबीसी बिल्डिंग डीएफ स्ट्रीट जीएचआई. आई डोंट नो जीएचआई कहाँ है, महाराष्ट्र में इतना तो पता लग रहा है. जीएसटी नंबर भी इनके पास है, ठीक है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो का नंबर होता है ना वो भी इनके पास है. अच्छा लोकेशन महाराष्ट्र है, कॉम्पोजिशन डीलर है, इसलिए लिख भी दिया नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज. इसलिए इसको टैक्स इनवॉइस नहीं बोलेंगे, बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे. इनवॉइस नंबर दिया जो बाकी बिल में होता है, ठीक है. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, रेट दे दिया, लेकिन जीएसटी नहीं है कहीं पर भी, कहीं पर भी जीएसटी नहीं है. लेकिन अगर आप जीएसटी बिल देखोगे तो उसमें आपको जीएसटी दिखेगा. बेपट्टा बोझे जाच्छे तो. अरे मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा है. ऐसा चुप ना रहो, कुछ तो बोलो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ नील, आयन, टोनिका. यस सर. बोझे जाच्छे तो. प्रिया, प्रिया किचु क्लास आए तो मिस हो जाए, एक असुविधा होते पारे. शालिनी बोलो सर, क्लियर हो रहा है ना कॉम्पोजिशंस के बारे में? यस सर, हम किचु लिखते बच्चे ना शुरू शुरू दे. अच्छा तो शरीर तक खराब हमें जाने, ठीक है सर, नो इशू. अच्छा अच्छा, टैक्स ऑन परचेस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर. तो बेसिकली कॉम्पोजिशन डीलर अपने पॉकेट से ही पैसा दे देता है, मैंने अल्टीमेटली उसको टैक्स अपने पॉकेट से ही देना पड़ता है. तो ये बेसिकली तीन चीजों के ऊपर करेगा. एक जितना वो साल भर का सप्लाई करेगा, सेकंड थिंग रिवर्स चार्ज करेगा. रिवर्स चार्ज माने क्यों? अरे जब जब एक कॉम्पोजिशन डीलर, जैसे मैं आपको बड़ा बाजार का एग्जाम्पल दे रहा था कि मानो आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो और आप बड़ा बाजार से कोई प्रोडक्ट परचेस करके लाते हो. बड़ा बाजार में बड़ा होलसेलर है ना. तो बेसिकली होलसेलर से जब आप प्रोडक्ट परचेस करके लाते हो और अपने लोकल मार्केट में जब आप उसको रिटेल करते हो तो आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करते है ना, जीएसटी कलेक्शन नहीं करते. लेकिन एक बात मेरे को बताओ, आप लोकल में बिना कलेक्शन का कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप मानो 1,00,000 का प्रोडक्ट परचेस किए, ओके, जिसका जीएसटी वैल्यू है मानो 18%, तो 18,000 रुपया आप टैक्स के तौर पे बड़ा बाजार वाला होलसेलर को जरूर देते होंगे. माने 1,00,000 तो देते ही होंगे,
साथ में 18,000 जीएसटी के नाम पे भी देते होंगे और ये 18,000 जीएसटी होलसेलर अपने नाम से गवर्नमेंट को जमा करे अगर उनके पास आईटीसी है तो क्लेम करके। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप अगर एक कॉम्पोजिशन डीलर होते हो, अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर होते हो तो प्लीज समझो सर बात को। कॉम्पोजिशन डीलर होने के नाते कॉम्पोजिशन डीलर होने के नाते आप क्या हो, आप सप्लायर हो कि रिसिपिएंट हो? सर आप कस्टमर के लिए बिल्कुल सप्लायर हो, लेकिन जब प्रोडक्ट परचेस करके ला रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद जब आप बेच रहे हो ना, तो उसमें आप तो जीएसटी कलेक्ट नहीं करते, उल्टा आपका जो भी जीएसटी होता है वो एज ए रिसिपिएंट होता है। तो इसमें इसलिए रिवर्स चार्ज हुआ। एंड टैक्स ऑन परचेस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर। और अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से भी परचेस करते हो तब भी आपको करना पड़ता है। तो हाउ शुड जीएसटी पेमेंट बी मेड बाय अ कॉम्पोजिशन डीलर? जीएसटी ऑन सप्लाईज मेड, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज एंड टैक्स ऑन परचेस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, ये सब मिला के आपको गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करना है। नाउ पॉइंट इज, व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय अ कॉम्पोजिशन डीलर? रिटर्न जो फाइल करते हैं ना, वो सीएमपी 08 में करते हैं। सीएमपी का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्पोजिशन से लिया गया, कॉम्पोजिशन का एब्रिविएशन सही है। डीलर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन क्वार्टरली स्टेटमेंट, नॉर्मली क्यूआरएमपी करते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट और मंथ एनुअल रिटर्न फाइलिंग, ऐसा होता है। सीएमपी 08 बाई 18th of the month, यानी मंथ का जिस क्वार्टर में क्वार्टर खत्म होगा उसका नेक्स्ट मंथ पे, 18th of the month after the end of the quarter। जैसे मानो अप्रैल, मई, जून खत्म हुआ, फिर जुलाई का 18 तारीख लास्ट डेट है, इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। क्वार्टर खत्म हुआ जून को, ठीक है, इसलिए क्या बोला 18th of the month after the end of the quarter। अप्रैल में जून इज द फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ तो फिर जुलाई 18 इज द डेट। Also written in form GSTR4। ऐसे ये जो रिटर्न का डिटेल्स है ना, ये मैं आपको रिटर्न चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि FAQ के अंदर मैं बता रहा हूँ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता दे। रिटर्न इन GSTR4 has to be filed annually by 30th April of the next financial year। ठीक है, नॉर्मली अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर का टाइम होता है ना सर, जैसे 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल के स्टार्ट हुआ था और मार्च को खत्म हुआ है 31st को। इसके बाद जो 2023 का अप्रैल आ रहा है उसके 30 तारीख के अंदर आपको रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा, GSTR4 फॉर्म का नाम है। GSTR9A इज एन एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इट वाज वेव्ड ऑफ फाइनेंशियल 17-18 में इसको वेव कर दिया गया, कुछ अपडेशन है। And financial year 1920, also note that a dealer registered under composition scheme is not required to maintain detail record। अगर आप composition dealer हो तो आपको detail record GST का maintain करने का या आपका जो buy sale का concept है उसको maintain करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तभी तो आप compositions हो, तभी आप compositions में हो। Now the last two very important questions कि composition scheme में रहने का advantage क्या है और disadvantage क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, क्यों इंपॉर्टेंट बोला बोले तो यहाँ पर ऐसे कैसे करता है उसका गाइडेंस है, बट ये अभी जरूरी नहीं है। ये कब लगेगा काम पे? जब आप लोग रियल लाइफ जीएसटी का काम करोगे ना तब लगेगा, तब ये जरूरी होगा कि कैसे आप कॉम्पोजिशन डीलर के तौर पे काम कर सकते हो। ऐसे ये टॉपिक मैं बताऊंगा जब आप लोगों को मैं रिटर्न फाइलिंग चैप्टर कराऊंगा, ऐसे वो भी जरूरी है। बट ऐसे ये सब चीज ना, रिटर्न फाइलिंग जैसा चीज कुछ दिन जीएसटी रिलेटेड काम करने से ही समझ में आ जाता है। कोई चार्टर्ड फार्म हो, कॉस्ट फार्म हो, सीएस फार्म हो, वहां पर कुछ दिन काम करोगे या फिर कोई कंपनी के अंडर में, तो आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिल जाएगा। बाकी आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल भी है जहां पर आपको रिटर्न फाइलिंग सिखाया जाता है, तो आप सीख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील सर। और काम करते करते रिटर्न फाइलिंग का आदत हो जाता है कि किस काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए नहीं चाहिए, कॉम्प्लायंस का आइडिया हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर कोर एरिया में काम करना है, तभी तो बनोगे ना।
एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको कोर एरिया का नॉलेज चाहिए. एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू नीड टू बी डेवलप योर कोर एरिया. द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्टरिंग अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. फर्स्ट पॉइंट, लेसर कॉम्प्लायंस. अभी बात कर रहा था कॉम्प्लायंस का. जो रेगुलर स्कीम में होते हैं ना, उनका कंप्लायंस बर्डन बहुत होता है. मैंने ये फॉर्म फिलअप करो, वो करो, इस टाइम के अंदर करो, डेटा मेंटेन करो, रिकॉर्ड मेंटेन करो, इनवॉइस इशू करो. यहाँ पर ऐसा कोई झमेला नहीं है. लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी एंड हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर एट अ लोअर रेट. टैक्स लोअर रेट में होता है, नॉन रेट 1%, कभी 5%, कभी 6% मैक्सिमम. बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है कि पहला बात कि आपका बिजनेस का टेरिटरी लिमिटेड हो जाता है. माने आप आउट ऑफ स्टेट बिजनेस नहीं कर पाओगे. आउट ऑफ स्टेट माने अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल के बाहर बिजनेस नहीं कर पाओगे. क्योंकि जैसे ही आप वेस्ट बंगाल से बिहार भी एटलीस्ट बिजनेस के लिए जाओगे या उड़ीसा भी जाना चाहोगे, ठीक है, बिहार जाओ उड़ीसा जाओ, आप बिजनेस आपका प्रोडक्ट नहीं बेच सकते वेस्ट बंगाल से. अगर करोगे तो फिर आपको और कुछ नहीं, तब कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा. तो फिर कौन से स्कीम में जाओगे? रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा. ये बात मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि अगर कोई इंटर स्टेट, हेलो, अगर कोई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम उनके लिए नहीं है. तो फिर कॉम्पोजिशन डीलर सिर्फ और सिर्फ अपने टेरिटरी में, माने वेस्ट बंगाल के अंदर ही काम कर पाएगा, बिहार है तो बिहार से ही काम कर पाएगा, ओडिशा है तो ओडिशा के अंदर ही काम कर पाएगा. द डीलर इज बार्ड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. सेकेंड बड़ा प्रॉब्लम, बिग बिग प्रॉब्लम. सर बिग बिग प्रॉब्लम क्यों? नो ITC टू कॉम्पोजिशन डीलर. इनपुट क्रेडिट का कोई जगह नहीं है जो एक रेगुलर टैक्स पेयर्स इजिली अवेल कर सकता है. और ये तो ITC तो मजा है सर, ITC में ही तो जान है GST का. इसी के लिए GST को लेके सारा दिन बात होता रहता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली परचेस के टाइम पे जो टैक्स आप पे करते हो, सेल के टाइम पे जो टैक्स आप कलेक्ट करते हो, उसका डिफरेंस एंजॉय करना. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपने ए एंड बी, बी है रिटेलर, ए है होलसेलर. एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1,000 रुपीज का प्रोडक्ट बी ने ए से परचेस किया, 1,000 का. फिर 1,000 का प्रोडक्ट ए ने बी को दिया, उसका मानो 18% GST. तो 1,000 का प्रोडक्ट 18% माने 1180 टोटल बी ए को पे किया, जिसमें 180 टाका माने 180 रुपीज किसका है? गवर्नमेंट का है. बी जो रिटेलर है, अब ये 1,000 का प्रोडक्ट में थोड़ा प्रॉफिट ऐड किया, से फॉर एग्जांपल 200 टाका प्रॉफिट ऐड किया, तो प्रोडक्ट का दाम हुआ 1200 टाका. कितना हुआ सर? 1200. इसके ऊपर प्रोडक्ट का जीएसटी रेट चल रहा है 18%. तो 1200 का 18% कितना होता है सर? 216. तो रिटेलर कस्टमर को 216 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 1416 इस रेट में मार्केट में बेच रहा है. ये फाइनल प्राइस है जो फाइनल कस्टमर पे करता है. कस्टमर बकरा है सर, कस्टमर कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई ITC नहीं मिलता. जो एंड कंज्यूमर होता है, जो एंड कंज्यूमर होता है, चाहे आप हो या मैं, आपको कोई ITC क्लेम नहीं मिलता है. बिकॉज आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है ना, आपको आगे किसी को बेचना नहीं है, इसीलिए आपके लिए वो सब ITC वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है. ITC वगैरह कॉन्सेप्ट B2B होता है. अब प्रॉब्लम क्या है, सुनो, प्रॉब्लम और एडवांटेज देखो. 216 रुपीज जो रिटेलर कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है, या मतलब एंड कस्टमर से, ये क्या अपने लिए कर रहा है? नहीं सर, ये भी सरकार का है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो भी है, स्टेट का या सेंट्रल का, गवर्नमेंट 180 तब कलेक्ट किया था जो रिटेलर ने ही होलसेलर को दिया था, और होलसेलर गवर्नमेंट के घर में जमा किया था. अब क्या है ना, जब रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया और 216 कलेक्ट किया, तब गवर्नमेंट रिटेलर को बोलता है, भाई दो मेरे को 216 टका GST के नाम पे. तब रिटेलर चिल्लाता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है आयन?
রুকো সরকার। রুকো সরকার, তুমি আচ্ছা বলতে হয় মানে অ্যাকচুয়ালি ইয়ে পয়েন্ট তুমি আচ্ছা পকড় লেতা হ্যাঁ। রুকো সরকার কিউ রুকো সরকার মানে ওয়েট গভর্নমেন্ট ওয়েট, মেরে পাস আইটিসি হ্যাঁ, তেরে পাস ক্যা হ্যাঁ, নেই মেরে পাস মা হ্যাঁ, আরে মা বাবা ছোড়ো, মেরে পাস আইটিসি হ্যাঁ। তো 216 রিটেলারকে রিটেলার সে মাং রা গভর্নমেন্ট, বট ও বোল রা নেই মেরে পাস আইটিসি মে আপকো নেই দুঙ্গা 216। তো 216 গভর্নমেন্ট উসসে মাং রা হ্যায় পর ও গভর্নমেন্ট কো বোল রা রুকো সরকার, আর 180 কা আইটিসি ক্লেম করেগা কিউকি ও পহলেই 180 পে কিয়া থা হোলসেলার কো। তো 216 সে 180 মাইনাস করো কিতনা হোতা হ্যায়, 36। अब गवर्नमेंट के घर में रिटेलर अभी सिर्फ 36 अमाउंट जमा करेगा और गवर्नमेंट को कुल मिला के 216 मिलेगा, 180 एंड 36 नाउ। माने मजा है क्या, हर भाग में पैसा चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आईटीसी का बेनिफिट हुआ ना, ये आईटीसी का बेनिफिट हुआ ना, पर ये इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट कॉम्पोजिशन वाले को नहीं मिलता है, तो टैक्स बर्डन वो शिफ्ट नहीं कर पाता। और यहां पर कौन सा, वो अपने पॉकेट से दिया, रिटेलर अपने पॉकेट से थोड़ी ना भरा सर, वो तो कस्टमर से कलेक्ट कर लिया फिर उसको गवर्नमेंट के घर में दिया, जिसमें टैक्स का बर्डन नहीं आता है, बार्डन शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर को ये सब फायदा नहीं मिलता है। द टैक्स पेयर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स अंडर जीएसटी, जैसे कि अल्कोहल और गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स पोर्टल, ये सब एडवांटेज उनको नहीं मिले। तो ऑब्वियस बात है कि कॉम्पोजिशन वाले को बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि उनका छोटा बिजनेस है तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंप्लायंस बर्डन नहीं है, बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किसी को रखने का जरूरत नहीं है, इनवॉइस इशू ना भी करेगा तो भी चलेगा, ठीक है, रिटर्न फाइल करने का बार बार का झमेला नहीं है, लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी है और रेट ऑफ टैक्स भी लो होता है, लेकिन बर्डन अपने पॉकेट से देना पड़ता है। यहाँ पर आपको पूरा गाइड दिया गया है, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये जो भी दिया है ना, ये और कुछ भी नहीं है सर, ये बेसिकली ये जो जीएसटी पोर्टल है ना, इस पोर्टल के अंदर किस तरह से कॉम्पोजिशन डीलर अपना रिटर्न फाइल करते हैं उसका हिसाब किताब स्क्रीनशॉट के थ्रू से दिया हुआ है, समझ रहे हो सर। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पोर्टल है गवर्नमेंट का, इस पोर्टल के अंदर लॉग इन करके कैसे कैसे होता है उसको एक बार बताया गया। बाकी सिंपल बात कर रहा हूं, जब आप लोग रियल लाइफ में काम करोगे, ये 2 मिनट का खेल है सर, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, नेक्स्ट दिन से आंख बंद करके करोगे, बट अगर कॉन्सेप्ट पता है तो एक्सपर्ट कहलाओगे, नहीं तो सिर्फ क्या कहलाओगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहलाओगे, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। एक्सपर्ट्स और ऑपरेटर में ही फर्क होता है, उनको सिर्फ ऑपरेट करना आता है, नॉलेज नहीं होता, ठीक है, और एक्सपर्ट्स को कोर कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, तभी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो लड़ सकता है कंपनी के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, आया ना। देखते देखते 10 क्वेश्चन का जवाब दे दिया सर, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते हो गया ना सर। ओके सर, ये तो ओवरव्यू दिया सर, ओवरव्यू किया बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम लोग इतना सिंपल तरीके से थोड़ी ना पढ़ते हैं, माथा खराब जब तक नहीं होता तब तक जीएसटी क्या पढ़ा, जिंदगी में थोड़ा माथा खराब भी तो होना चाहिए, जिंदगी इतना इजी थोड़ी हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो, थोड़ा मुसीबत हो, तब ना जिंदगी। सेक्शन वाइज बातचीत करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम सेक्शन मांगता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंस्टीट्यूट कहते हैं, इंस्टीट्यूशन जो चाहे सीए हो, सीएस हो या सीएम, ये लोग क्या कहते हैं जब एग्जाम पेपर लिख के आओगे, तुम ठीक से सेक्शन लिखो हम तुम्हें मार्क्स देंगे, अच्छा मार्क्स हम तुम्हें पास कराएंगे, ठीक है, तुम ठीक ठाक से सेक्शन के साथ आंसर लिखो मैं तुम्हें पास कराऊंगा,
ये इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सबको. इसलिए आप जब पढ़ाई करो आपको सेक्शन प्रॉपर मेंशन करना है, आपको प्रॉपरली केस लॉ मेंशन करना है, केस स्टडीज जहां जितना जरूरत है, ठीक है, तो जाके आपको मार्क्स मिलेगा. ओके तो नॉर्मली ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 10 था. ये जो सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन 10 है. तो कॉम्पोजिशन स्लिप इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड. ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, ये डिटेल्स नोट्स हैं, जिनके पास नहीं है उनको मैं शेयर कर दूंगा, जिनके पास है कोई बात नहीं. तो कॉम्पोजिशन लेवी इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर इज अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. लिमिट मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1.5 करोड़ and 75 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अगर आप नॉर्थ ईस्ट का हो तो उनके लिए 75 लाख. तो ताकि सिंपल सिंप्लिसिटी रहे और कॉम्प्लायंस कॉस्ट टैक्स पेयर्स को कम पड़े. कॉम्प्लायंस कॉस्ट माने एक रेगुलरिटी मेंटेन करना, उसके लिए किसी को काम पे रखना, छोटा मोटा बिजनेस के लिए बार्डन है सर. इनिशियली ये जो कॉम्पोजिशन सिस्टम है इसको डिजाइन किया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स. So the scheme was fundamentally for the suppliers of goods and only for restaurant service. July 1st onwards, जब GST scheme launch हुआ था तब से. However, subsequently, suppliers availing compensation scheme were permitted to supply other services also. इसका भी मैं आपको बता दिया कि कितना सर्विस आप मैक्सिमम मेंटेन कर सकते हो. टोटल टर्नओवर का 10% और 5 लाख एनुअल वैल्यू बता दिया सर. द स्कीम इज कंटेन्ड इन सेक्शन 1, सॉरी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, माने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऐसे भी पढ़ो या फिर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऐसे भी पढ़ो, जो भी जैसे भी पढ़ो सर, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो डजंट मैटर. तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में इसके बारे में बताया गया. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं सेक्शन को बार बार बोल रहा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको जब भी लिखना है ना तो प्रॉपर मेंशन करना है. और ये कंसेशनल रेट में देता है, जैसे कि 1% फॉर द मैन्युफैक्चरर, और बाकी रेट भी मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स में. नॉर्मली 1% का रेट होता है, 5% का रेट होता है और 3% का रेट होता है, सॉरी 6% का रेट अभी बता रहा था ना. तीन तरह का रेट है, 1% सबसे पॉपुलर, 5% और 6%. तीन तरह का रेट नॉर्मली देखने को मिलता है. अच्छा, एक और बात याद रखें, ये सब मैंने बोला है अभी अभी. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम टू पर्संस एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh. अगर रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई और सर्विस है और जिनका 50 लाख तक का लिमिट है सर्विस में, उनके लिए 6% जीएसटी लगता है टर्नओवर पे, टर्नओवर का 6%. Mixed supplier who is primarily engaged in supplying service other than restaurant service along with marginal supply of goods. Normally service देता है पर कभी कभी goods भी supply कर देता है. Also avail the benefit of this scheme. जैसे कि tailoring business. अच्छा, tailoring business goods supply करता है कि mainly service देता है, या फिर सैलून वगैरह? हाँ सर, service provider. Mainly service provider. But कभी कभी कोई goods बेच सकता है ना, थोड़ा बहुत, एक आध पीस. जी सर, बना हुआ है, लेकिन क्या normally बेचता है? मैंने क्या ये मतलब इनके पास कोई अपना, इसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, जॉब वर्क होता है. कोई अपना काम लेके जाता है तो उनका जॉब वर्क ये करके देता है. आपको लहंगा सिलवाना है, आपको ब्लेजर सिलवाना है, आप अपना मेजरमेंट देके आते हो, ये बना के देता है. लेकिन कभी कभी ये खुद भी कुछ प्रोडक्ट बना के बेच सकता है, लेकिन वो उसका मार्जिनल सप्लाई है, तो उनके लिए भी ये 50 लाख तक का बेनिफिट है. कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 50 लाख तक का है
तो आप इसमें जीएसटी के अंदर आना चाहते हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो आप ये 6% का जो टैक्स रेट है, मैंने 3-3% का, 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी, आप ये अवेल कर सकते हो। इसमें आईजीएसटी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटर स्टेट नहीं है सर, ये सारे के सारे इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर ही है, क्योंकि इंटर स्टेट में कॉम्पोजिशन स्लैब भी लागू ही नहीं होता, फंडामेंटली रॉन्ग हो जाओगे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में कॉम्पोजिशन स्कीम लागू ही नहीं होता, लागू माने इम्पोज, ओके, या इन्फोर्सिएबल नहीं है, या लेवी, सर कितना लैंग्वेज है, इम्पोज करो लेवी करो, पाग भरे पाग, ओके। एसेंशियली द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 2 ए, जो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस बोला गया, इज फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर लाइक सलोन, स्टाइलिस्ट, टेलर एटसेट्रा। दिस स्कीम प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू सच सप्लायर्स टू पे टैक्स एट द रेट 6% ऑफ द टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख, ठीक है, उनके लिए एनुअल 50 लाख टर्नओवर कर रहे हो, 6% गवर्नमेंट के घर में जमा करो, सर कुछ ज्यादा नहीं है सर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर अगर 50 लाख तक करता है ना, सर्विस प्रोवाइडर का अगर कोई 50 लाख कर लेता है नॉर्मली ना, इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट, ध्यान से समझा सर, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट होता है इनका, क्यों, क्योंकि इनका ना प्रोडक्ट परचेस में ज्यादा कुछ नहीं है, सारे के सारे क्या है ना, जैसे हेयर कटिंग सर्विस देने के लिए या टेलरिंग सर्विस का क्या स्किल्ड का मैटर है, तो आपको रोज रोज बहुत परचेस वगैरह नहीं करना पड़ता, आपका जो स्किल है उसी का आप दाम लेते हो, तो अगर आप 50 लाख कर रहे हो ना, तो एनुअली आप ऑलमोस्ट 20-25 लाख कमा लेते हो, इसीलिए गवर्नमेंट रेट 6% रखा है। मैंने बोलता है गवर्नमेंट कहना चाहता है कि आप 20-25 लाख सालाना कमाओगे, हमें भी तो कुछ दे के जाओ, क्योंकि सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स है ना, आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि आखिर जीएसटी वगैरह पढ़ना क्यों है, क्योंकि अगर जीएसटी पढ़ोगे तब ना पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितना कमाता है, कहाँ से कमाता है, और क्यों आप लोगों को पढ़ाना चाहता है। हाँ, ये गवर्नमेंट बजट कितना बार मैं आपको दिखाता रहता हूँ, गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन तो यही है, गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन तो यही है सर, जीएसटी से ऑलमोस्ट 17% करेंटली इंडियन गवर्नमेंट इनकम करता है, 17%, बिग सोर्स, इनकम टैक्स में कम से कम 15-16%, सो यही दो मेन एरिया है, और इसको देखभाल करने के लिए आईआरएस को बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि प्रॉपरली सारा काम चले, और आईआरएस को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिठा के रखते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले को, ताकि देश का रेवेन्यू बढ़े, और सीएसीएस सीएमए को बना के रखता है ताकि ग्राउंड लेवल में बिजनेसमैन अपना कंप्लायंस फाइल करे। सर आप लोग समझ पा रहे हो इकोसिस्टम, हेलो, इकोसिस्टम समझ में आ रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट चारों तरफ से घेर के रखा है, गवर्नमेंट के घर में पैसा जमा हो इसलिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। कुछ केस स्टडीज हैं, आप पढ़ लेना और सेक्शन को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10, कॉम्पोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 हेरिन आर रेफर्ड टू एज कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, और सर्विस जो है वो सेक्शन सबसेक्शन 2 ए, जैसे अभी जो मैं आपको 50 लाख वाला बोला, ठीक है, अप टू 50 लाख जिनका टर्नओवर होता है, 6% का रेट जिन पे लगता है, उनका सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ए, ओके। और टर्नओवर लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बोला, 1.5 करोड़ का लिमिट है, 75 लाख का भी लिमिट है, और 50 लाख सर्विस के लिए है, 50 लाख सर्विस के लिए है, 1.5 करोड़ नॉर्मल स्टेट्स के लिए है, और 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेनली, ठीक है, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, 5, ठीक है, असम इसके अंदर नहीं है, सिक्किम, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है नॉर्मली,
बट सिक्किम इसके अंदर है, उत्तराखंड है, अच्छा मेघालय आता है, मेघालय है, एक्सेप्ट सिर्फ उत्तराखंड एक्स्ट्रा है। इनकेस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आसाम भी आता है, हिमाचल भी आते हैं, जम्मू कश्मीर भी आते हैं, पर उनके केस में टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ का है, उनके केस में टर्नओवर का लिमिट 1.5 करोड़ का है। मैंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है ये चीज मैंने बेसिक्स ऑफ जीएसटी में बता के रखा, गवर्नमेंट टर्नओवर के इशू में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स डिनोट करके रखा है। तो नॉर्मली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आप इतना याद रखे सर, इनके लिए लिमिट क्या है 75 लाख, बाकी जो भी स्टेट्स है उनके लिए लिमिट है 1.5 करोड़। ठीक है, आसाम हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर दे आर ऑल्सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बट उनके लिए फॉर कॉम्पोजिशन ले भी लिमिट 1.5 करोड़ तक बढ़ाया गया है। दैट्स इट, याद रखे सर ये सब बातें, बोलना नहीं, शॉर्ट में भी कितना सुंदर बोल के रखा है। ठीक है, 75 लाख फॉर अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, अरे मेनली नॉर्थ ईस्ट, ऐड कर देना उत्तराखंड को, ठीक है, तो फिर 75 लाख पता लग जाएगा, और बाकी 1.5 करोड़ बाकी जितना स्टेट्स है हमारे देश में सभी के लिए लागू होता है। मैंने कॉम्पोजिशन अप टू कितना तक आपका लिमिट रहने से आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रह सकते हो, लिमिट क्रॉस करने से आपको कॉम्पोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एक केस स्टडीज पढ़ो, एग्जांपल्स, केस लॉ भी बोल सकते हो या फिर केस स्टडी बोलो। ए शूज डीलर पृथ्वीराज, जिनका ऑफिस है महाराष्ट्र में एंड गोवा में, और ये इंटरस्टेट सप्लाई करता है, यानी महाराष्ट्र के अंदर भी करता है और गोवा के अंदर ही करता है, स्टेट चेंज नहीं करता। In order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of composition scheme, क्या पृथ्वीराज composition scheme का benefit ले सकता है? अगर turnover of both the office would be taken into account, दोनों ऑफिस का अगर turnover देखा जाए और दोनों ऑफिस का turnover मिला के 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करता, क्या पृथ्वीराज कर सकता है composition scheme? आंसर इज यस। महाराष्ट्र में भी वो इंटरेस्टेड सप्लाई करता है, मैंने महाराष्ट्र का सप्लाई महाराष्ट्र के अंदर ही रखता है, मैंने ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र से गोवा सप्लाई करता है, ऐसा नहीं करता, मैंने महाराष्ट्र के अंदर जैसे मानो मुंबई है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे भी है, ठीक है, तो मुंबई टू पुणे सप्लाई इज अ इंटरेस्टेड सप्लाई, गोवा के अंदर ही सप्लाई करता है, मानो गोवा में कैपिटल है पनाजी, गोवा का और कोई जगह का नाम ऐसे, गोवा इज ए वेरी स्मॉल एरिया, एक तो पनाजी है, दूसरा एक एरिया का नाम जो भी है सर, मानो पनाजी टू एनी प्लेस इन गोवा, ऐसे मैं गोवा कभी गया नहीं सर, नहीं तो अगर एक बार जाएंगे तो फिर पता लग जाएगा जगह का नाम, महाराष्ट्र गया है सर काफी बार इसलिए थोड़ा पता है वहां पर, तो गोवा में पनाजी टू एनी प्लेस इन गोवा, तो गोवा भी एक स्टेट है, तो एक ही स्टेट के अंदर करे तो वो सेम स्टेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से माने मुंबई से पनाजी नहीं आएगा प्रोडक्ट, अगर ऐसा होता तो इंटर स्टेट हो जाएगा और तब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये व्यापट्टा बोझा गया लो, किरे बोल सर, बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्दर द ऑप्शंस ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स एंड लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन व्हिच इज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द 1.5 करोड़ और 75 लाख इन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख क्रॉस कर जाए और नॉर्मल केस में अगर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाए तो आपका लैप्स हो जाएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने का बेनिफिट लैप्स हो जाएगा। ऐसे आयन मुझे क्वेश्चन कर रहा था कि दादा तब तो उसको अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है, ये सर अगर आपको देखो सर
या तो आप टर्नओवर पे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करो कॉम्पोजिशन स्कीम पे, या फिर अगर आप जीएसटी तो आपको रेगुलर में क्या है, आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है और अकाउंटेंट को कम से कम 10,000 का सैलरी देना पड़ता है, तो 10,000 करके 12 महीने का, तो कम से कम 1,20,000 का सैलरी तो आपको देना ही पड़ेगा, ऊपर से उसका भी जीएसटी तो होगा एक्स्ट्रा, तो कुछ ना कुछ नहीं तो खर्चा तो आपका है। तो आप देख लो कि आपको बेनिफिट किस में है, रेगुलर में है कि कॉम्पोजिशन पे है। लेकिन अगर आपका लिमिट क्रॉस कर जाए ना किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख, तो फिर आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 के तहत आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा। लैप्स हो जाएगा। जैसे सर्विस के केस में भी एक केस स्टडीज पढ़ के जाओ। एक हेयर स्टाइलिस्ट है बिल्लू बर्बर, ठीक है, इसका सैलून है दिल्ली में एंड हरियाणा में, तो दिल्ली में दिल्ली का सप्लाई देता है, हरियाणा में हरियाणा का सप्लाई देता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर बिल्लू इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, टर्नओवर ऑफ बोथ द सैलून वुड बी टेकन इन टू अकाउंट एंड इफ द सेम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, मैंने दिल्ली सैलून और हरियाणा सैलून मिला के तो उनका टोटल टर्नओवर हो रहा है 50 लाख का, बिल्लू कैन ऑप्ट टू अवेल द कॉम्पोजिशन स्कीम सब्जेक्ट टू फुलफिल्ड ऑफ अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर बोथ दी सर्विस, बट यस वो कर सकता है, ये कर सकता है। ये लिमिट कहाँ से मिला? सेक्शन 2 10 सबसेक्शन 2 ए के तहत, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस उसका लिमिट 50 लाख क्रॉस कर जाए किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 उसका सिस्टम को लैप्स कर देगा, कॉम्पोजिशन स्कीम से उनको बाहर कर देगा। ओके सर, आई होप कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम समझ में आ गया। लेकिन रही बात टर्नओवर कैलकुलेशंस का, जिसका क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा सर, कि कैसे टर्नओवर कैलकुलेट होता है, ठीक है। टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या इंक्लूड कर सकते हो और क्या एक्सक्लूड कर सकते हो एज ए जीएसटी कैलकुलेट मतलब एक्सपर्ट या फिर एज ए जीएसटी अकाउंटेंट, ठीक है। आपको हर चीज का हिसाब चाहिए, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि किस तरह से कि कौन सा वैल्यू इंक्लूड करना चाहिए और कौन सा वैल्यू आपको एक्सक्लूड करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर, ठीक है। तभी डिसाइड होगा कि आप कॉम्पोजिशंस में रहोगे कि रेगुलर टैक्स पेमेंट सिस्टम पे शिफ्ट हो जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट सर, टर्नओवर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो तो टर्नओवर से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो मैं नेक्स्ट दिन आपको टर्नओवर भी बताऊंगा और टैक्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस और भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है जीएसटी पढ़ के, ठीक है। बाकी मजा नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर, आज इतना ही है फिर। थैंक यू सर, गुड नाइट। कुछ सवाल है तो करो।